बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस्काशिफ, वेलकम टू द शो। आज जनाब सिंध असेंबली में तमाशा हो गया। जी हाँ, तमाशा भी ऐसा तमाशा, इकरारुल हसन साहब ने बड़ा जबरदस्त तमाशा किया। वो एक लाइव वेपन लेकर चले गए और असेंबली की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान उठा दिया उन्होंने। ये पब्लिसिटी स्टंट की हद तक तो ठीक था, आई एग्री के पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि बहरहाल मीडिया हमारा पोलराइज हो चुका है। आप थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको थोड़ा सा पसे पर्दा ले जाता हूँ, नॉट वेरी फार अवे, गो बैक अबाउट 5 years ago। 5 years ago व्हेन एनीवन केम इनटू पाकिस्तान, दे आस्ट द लोकल्स, वो लोकल्स को पूछते थे, कहने के भाई कि कौन सी पार्टी का कौन सा मीडिया है ये हमें बता दो यार, कौन सा अखबार किसके पैनल पर है, कौन सा टीवी चैनल किसके पैनल पर है ये बता दो, क्योंकि हमें आपका मीडिया पोलराइज नहीं लगता। लेकिन आज गुज़िश्ता 6 माह के अंदर, बिलखसूस गुज़िश्ता 6 माह के अंदर और धरने के बाद से अब तक इमरान खान साहब के, मीडिया की ह्यूज पोलराइजेशन सामने आ गई है, नज़र आ रही है और बाकायदा अफशा हो रही है। इसमें कसूर ज़्यादातर एंकर्स का नहीं है, इसमें कसूर मालिकान का है। जी हाँ, ये वही मालिकान है जो बेसिकली इसे एक तवायफ के धंधे की तरह चलाते हैं और वो दे बेसिकली प्रोस्टिट्यूट द एंकर्स अराउंड, और वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के बेटे का इंटरव्यू करो, हाँ जी सरकार करना है, या तो करो या नौकरी खो दो। दूसरी सूरत में उनको इश्तहारात मिलते हैं, बड़े लंबी चौड़ी रकम मिलती है इश्तहारात के ज़ुमरे में, और डेफिनेटली और पर्क्स मिलते हैं और उनके केसेस रिजॉल्व होते हैं। वो पैसे लेते हैं, लोगों का काम करा के देते हैं। पहले ये काम पसे पड़ता हुआ करता था, येलो जर्नलिज्म को बुरा समझा जाता था, लेकिन आज येलो जर्नलिज्म इतना अफशा है कि एक्चुअली जर्नलिज्म की तो शायद फातिहा हो गई है, और हमारे लोगों के पास जो है ना अब जनाजा उठाने के लिए कंधे भी नहीं बचे शायद जर्नलिज्म के। इस वक्त जो पुराने वक्तों के जर्नलिस्ट थे वो आज सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, और जो नए नए ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है नए टैलेंट का आना, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हमारा मीडिया पोलराइज हो गया है। एक ग्रुप है जो इंटेलिजेंस के पैनल पे, हसास इदारों के पैनल पे, वो मुस्तकिल उन्हीं की बात करेगा। एक है जो पंजाब गवर्नमेंट के पैनल पे, वो मुस्तकिल उन्हीं का गाना गाएगा। एक है जो आपके सिंध गवर्नमेंट के पैनल पे है, वो मुस्तकिल उनकी तौसीफ और तारीफ के गाने गाता रहेगा। वो चाहे आग लगा दें शहर को, कहकर साहब क्या बात है, क्या ज़बरदस्त फायरवर्क्स हुआ, आपने देखा, आवाम अंधी हो गई, उसको फायरवर्क्स को आग लगना, आग लगना नजर आता, शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए आवाम को। आवाम को अंधा कर दिया है, आवाम को गूंगा बहरा कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के येलो जर्नलिज्म के किस्से अब खुल चुके हैं, तो पता है कि कौन किसके पैनल पर चल रहा है। नाउ द पीपल हैव टू डिसाइड, आवाम पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो किन लोगों को देखना चाहती है, आया कि इस पोलराइज्ड मीडिया को देखना चाहती है, या इसमें से एक्चुअली ओपिनियनेटेड लोग अब साइड पर हो गए हैं। ये मीडिया को मैच्योरिटी की तरफ लाने के लिए, बड़ा एक मजबूर करने के लिए अब आवाम का वक्त आ गया है, अब आवाम को रोल प्ले करना है। जंग और जियो ग्रुप यकीनन इंडिया को सपोर्ट करता रहा है, इंडियन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता रहा है, और इंडिया के साथ उनके बड़े करीबी मरासम, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप देखें कि आपका हर चैनल अपनी जगह पर कम्प्लीटली एंड टोटली वन साइड हो चुका है, एंड दैट इज़ अ पेन विच विल अल्टीमेटली बाइट यू बैक। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।